नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 जिसकी कि लिखित ऑफलाइन परीक्षा 13 से 16 मई 2022 को आयोजित होने जा रही है। तो इसके जो है नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एग्जाम का आपका कौन से शहर में होने जा रहा है, कौन सी तारीख में होने जा रहा है, कौन सी शिफ्ट में होने जा रहा है, इसकी जानकारी जो है जारी कर दी गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव जो है चेक करके दिखाऊंगा एक कैंडिडेट का कि आप इसको कैसे जो है चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मार्कर से आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिंक जो है इसका जारी कर दिया गया है। और इसमें आपको बता दूँ, चेक करने के लिए कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको एप्लीकेशन नंबर और आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, दो चीज़ें जो है चाहिए। जिनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो लिंक है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, एडमिट कार्ड और ये सेंटर आपको चेक करने का लिंक मिलेगा रोजगाररिजल्ट.com पे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रस्टेबल एक पुरानी वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com, साथ ही साथ ये लिंक मिलेगा आपको सरकारीरिजल्ट.com पर। गूगल पे जब भी सरकारीरिजल्ट लिखिए lastme.com जरूर लगाइए। हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म पे। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला चाहिए एप्लीकेशन नंबर, दूसरा चाहिए डेट ऑफ बर्थ। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, या उनको याद नहीं है, या तो उन्होंने कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा है। अगर आप भी उसमें से एक है तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी। ध्यान दीजिएगा, यहां छोटा सा लिंक है फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी, आपको इस पे क्लिक करना है। इन केस आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपको इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे बता दिया है एप्लीकेशन नंबर जानने के तीन तरीके। पहला है, आप अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिसिप्ट से, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बेकार है। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहां पे कैप्चा डालिए और आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बराबर दोस्तों, मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी जन्म तिथि डाल दी है। ये जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को भी मैंने एज इट इज जो है डाल दिया। स्मॉल और कैपिटल लेटर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले ऊपर आपका एग्ज़ाम नेम आ जाएगा, आपने टीएसपी नॉन टीएसपी किसके लिए अप्लाई किया वो आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम शिफ्ट, ये मेन चीज़ है। एग्ज़ाम सेंटर आपके किस डिस्ट्रिक्ट में गया है राजस्थान के, वो आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम आपका किस तारीख में और कौन सी शिफ्ट में होने जा रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जिस अभ्यर्थी का मैं चेक कर रहा हूँ उसका एग्ज़ाम 15 मई 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और उसका परीक्षा केंद्र है वो हनुमानगढ़ है। तो ये सभी अभ्यर्थियों का अलग अलग रहेगा, आप अपना इंडिविजुअल जरूर चेक कर लीजिए। ये दोस्तों इसलिए ऑप्शन बनाया गया है ताकि आप अपना रिजर्वेशन करा सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जो है सेंटर जो है लोकेशन दूर है, तो अगर आपका भी दूर है तो आप अपना रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ बता दें जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसका भी जो है हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।